हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मैं शेयर करूंगी पुरानी दिल्ली के मटन कोरमा का रेसिपी। इसका ग्रेवी तो बहुत ही टेस्टी बनता है और इसे बनाना भी आसान है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कैसे इसे बनाते हैं। पहले हम करेंगे मटन को मैरिनेट, और उसके लिए चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, उसमें होगा हल्दी पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा और धनिया पाउडर, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। लास्ट में ऐड कर देंगे 2 से 3 चम्मच खट्टा दही यानी कि योगर्ट। उसके बाद हाथों से सब कुछ अच्छे से मिला लेना है और इसे 4 से 5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। डिटेल रेसिपी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। ग्रेवी बनाने के लिए पैन में हम तेल गरम करेंगे और उसमें डालेंगे छोटी इलायची, कुछ साबुत काली मिर्च, लौंग और एक छोटा सा दालचीनी। कुछ सेकंड के लिए इन सबको सॉटे कर लेंगे। उसके बाद ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ मटन। मटन को अगर आप पूरी रात मैरिनेशन के लिए रख सकते हो तो टेस्ट और भी अच्छा आएगा। 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में इसे हम फ्राई कर लेंगे। अपने स्वाद अनुसार नमक डाल के अच्छे से मिला लेंगे। कोई भी ग्रेवी का मेन पार्ट होता है प्याज, और इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए बेरिस्ता यानी कि तेल में फ्राई किया हुआ प्याज। हमने यहाँ पे 2 प्याज को बारीकी से कट करके तेल में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिए हैं, और उसके बाद ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। इसका हम पेस्ट नहीं बनाएंगे, सिर्फ ग्राइंड कर लेंगे। तले हुए प्याज को आप हाथों से मसल के भी ऐसे बना सकते हो। अब उस ग्राइंड किए हुए प्याज को हम मटन में ऐड कर देंगे। सब कुछ अच्छे से मिला लेंगे और 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मटन को अच्छे से भूनने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे 1 कप गर्म पानी। एक बार फिर से मिला लेंगे और उसके बाद पैन को कवर करके मटन गल जाने तक कुक करेंगे। 15 मिनट बाद हमने 1 कप पानी और ऐड कर दिए थे, और करीब आधे घंटे बाद मटन का कलर देखो, ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है और एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। खुशबू के लिए डाल देंगे 2 से 3 बूंद केवड़ा वाटर, और डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और धनिया के पत्ते। एक बार फिर से मिला लेंगे और तुरंत ही गैस को बंद कर देंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा मटन कोरमा का रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। एक मटन आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ। ये देखो, ये कितना सॉफ्ट बन गया है। इसे चावल या नान के साथ खाने में तो बड़ा मजा आता है। आप लोग एंजॉय करो, और तब तक के लिए गुड बाय।